In the previous section, we studied two types of equilibrium constants. First one was equilibrium constant in terms of concentration, K subscript C, which was defined as concentration of products raised to their stoichiometric coefficients upon concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient. The another type of equilibrium constant was pressure equilibrium constant, K subscript P, which is defined as partial pressure of products raised to their stoichiometric coefficient upon partial pressure of reactants raised to their stoichiometric coefficient. So KP or KC, ye do tarah ke equilibrium constants humne padhe the. So let us now revise what is partial pressure of a gas. ये हम लोग ने already heat and thermodynamics के gaseous state में पढ़ा हुआ है, but I will just revise and derive the same formula once again. The formula for partial pressure of a gas A is mole fraction of gas A into total pressure. ये हमारा एक formula था. अगर हमारे पास दो गैसेस का सिस्टम है, दो गैसेस है हमारे पास, एक कंटेनर में हमारे पास गैस ए और गैस बी, दो गैसेस है, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर. तो लेट अस सी वंस अगेन हाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूला. तो हम लोग के पास आइडियल गैस इक्वेशन हमने अगेन गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है, PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. अब इधर से हम लोग को दिखता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, द प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर हम लोग यही इक्वेशन गैस A के लिए लगाए, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका किसका है, गैस A और गैस B का सॉल्यूशन है, ओके, मिक्स किया दोनों गैसेस को. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ गैस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ बी. एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास गैस ए और गैस बी है, तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. Also, we can say that total pressure is the sum of partial pressures of two gases. अगर हमारे पास दो गैस का सिस्टम है, गैस A और गैस B का, तो total pressure will be partial pressure of A plus partial pressure of B. From this equation, pressure is directly proportional to moles. We get total pressure, pressure of A plus pressure of B is directly proportional to total moles, which is moles of A plus moles of B. तो टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स, देयरफॉर प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी. तो हम लोग को ये तीन इक्वेशंस अच्छे से देखने हैं पहले से, प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी मतलब टोटल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी मतलब टोटल मोल्स. फ्रॉम दिस If we divide these two equations, मान लो ये equation और ये equation दोनों को divide किया हम लोग ने, तो divide करने पे PA upon PA plus PB LHS में आएगा, NA upon NA plus NB RHS में आएगा, PA upon PA plus PB LHS में, NA upon NA plus NB RHS में. So this will be our equation, PA upon PA plus PB LHS में, NA और upon NA plus NB RHS में. अब PA plus PB को हम लोग लिख सकते हैं total pressure, because total pressure in a two component system of gases is PA plus PB. तो PA plus PB को मैंने लिखा P total. तो हमारा formula आ गया ये formula, PA upon P total is NA upon NA plus NB. अब ये P total को हम लोग RHS में लेके गए, तो हमारा वो numerator में term आ जाएगा P total, तो हो जाएगा हमारा equation PA is equal to NA upon NA plus NB into P total. सिर्फ ये P total term हम लोग यहाँ पे RHS के numerator में लेके गए. तो PA मतलब partial pressure of A is moles of A upon total moles into total pressure.
ऐसा हमारा इक्वेशन होगा. नाउ इफ यू रिमेंबर हम लोग ने सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो वहां पे सॉल्यूशन सेक्शन में हम लोग ने देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करने का एक तरीका है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. तो Na अपॉन Na प्लस Nb को हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA. XA क्या है? XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A विच इज Na अपॉन Na प्लस Nb. वैसे ही अगर हम लोग को XB लिखना हो तो XB क्या होगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb. और XA प्लस XB का सम कितना आएगा? 1 आएगा. ये हम लोग ने सब सॉल्यूशंस में पढ़ा हुआ है. ओके तो Na अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा XA और P टोटल एज इट इज लिख दिया. XA को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A. सिमिलरली XB क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B. वो होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb. ओके मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स. XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स. तो ऐसा हमारा ये फॉर्मूला बन गया विच इज वी हैव डिराइव्ड सक्सेसफुली. पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर. ऐसे हम लोग ये फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर का डिराइव करेंगे. To see if there is any doubt in this derivation, it is very very easy. It is coming from this equation, ideal gas equation. Pressure is directly proportional to moles, and we derive this. After this, we will see the relation between Kp and Kc. जो हम लोग ने pressure equilibrium constant Kp बोला था और equilibrium constant in terms of concentration Kc बोला था, उसमें हम लोग relation डिराइव कर रहे हैं. ये रिलेशन हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है पिछले सेक्शन में. Kp is Kc RT raised to delta Ng. Delta Ng was moles of gaseous products minus moles of gaseous reactants. तो ये रिलेशन कैसे डिराइव होगा? Let us see. तो as you can see, ये Kp is equal to Kc RT raised to delta Ng डिराइव करने के लिए हमें Kp के डेफिनेशन से चालू करना पड़ेगा. तो इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस सेक्शन वी हैड सीन अ रिएक्शन इन गैसियस फेज. एक जनरल रिएक्शन हम लोग ने देखा था गैसियस फेज में देखा था AA plus BB giving CC plus DD in gaseous phase. सारे के सारे रिएक्टेंट्स और सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमने अज्यूम किया कि गैसियस फेज में है. स्मॉल ए क्या है? मोल्स ऑफ स्पीशी ए. रिएक्टेंट ए के मोल्स है. स्मॉल बी क्या है? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी. स्मॉल सी क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड. स्मॉल डी क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड. सब गैसियस फेज में. ओके तो गैसियस फेज का जो है उसमें हम लोग का ये इक्वेशन है. तो हमारा केपी का क्या डेफिनेशन था? द फॉर्मूला फॉर केपी वॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स रेस्ट टू देयर स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेस्ट टू देयर स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो हमारा केपी का डेफिनेशन यही आएगा. यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट है सी और डी. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस्ट टू द स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी. पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस्ट टू द स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी. ये प्रोडक्ट्स का हो गया अपॉन रिएक्टेंट्स मतलब ए और बी. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ड्यूमरेटर में आता है डिनोमिनेटर में आता है. केपी का डेफिनेशन क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स रेस्ट टू देयर स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेस्ट टू देयर स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो डिनोमिनेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेस्ट टू देयर स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. तो रिएक्टेंट ए उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस्ट टू देयर स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस्ट टू देयर स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी. ओके अब हम लोग एक यहां पर रिलेशन यूज करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. तो PV इज NRT है तो हम लोग V वॉल्यूम के टर्म को डिनोमिनेटर में लेके गए RHS के. तो हमारा ऐसा इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू N बाई V इंटू RT. अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ये हम लोग ने फिर से सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन.
नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलैरिटी. अगर तुम्हें याद रहेगा मोलैरिटी वॉज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो इसीलिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को लिख दिया एम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब मोलैरिटी है. ये क्या है? मोलैरिटी. तो प्रेशर इज मोलैरिटी ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इंटू आर विच इज गैस कॉन्स्टेंट इंटू टी विच इज टेम्परेचर इन केल्विन. तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के इक्वेशन में डालने वाले हैं. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी यूनिट्स फॉर कंपोनेंट सी इंटू आर डी. पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या हो जाएगा? पी डी इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ डी इंटू आर डी. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? मोलैरिटी ऑफ ए इंटू आर डी. पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी ऑफ बी इंटू आर डी. Let us see, put this equation first. Partial pressure of C is molarity of C into RT. So partial pressure of C ko main kya likhega? Molarity of C into RT. Aur ye power C maine as it is yahan pe likh diya. Fir partial pressure of D kya hoga? Molarity of D into RT. Partial pressure of D kya hoga? Molarity of D into RT. So partial pressure of D ko maine likha molarity of D into RT. ये जो पावर है स्मॉल डी वो हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा. वो पावर विल बी इन द न्यूमरेटर ऑफ दिस टर्म डीआरटी. अब उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का बात कर रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी मोलैरिटी ऑफ ए इनटू आरटी. तो मोलैरिटी ऑफ ए इनटू आरटी और यहाँ पे पावर क्या है? स्मॉल ए. ओके, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? मोलैरिटी ऑफ बी इनटू आरटी. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो गया मोलैरिटी ऑफ बी इनटू आरटी. और इसका पावर क्या है? B. और इसका पावर क्या है? A. ओके, तो ऐसा हमारा इक्वेशन आ गया. अब हम लोग पावर को अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं. पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ C रेस्ट टू C अलग से लिख देते हैं, मोलैरिटी ऑफ B रेस्ट टू B अलग से लिख देते हैं, मोलैरिटी ऑफ A रेस्ट टू A अलग से लिख देते हैं, मोलैरिटी ऑफ B रेस्ट टू B अलग से लिख देते हैं, और RT रेस्ट टू C अलग से लिख देंगे, RT रेस्ट टू B अलग से लिख देंगे, RT raised to A अलग से लिख देंगे, RT raised to B अलग से लिख देंगे. So we have accounted for all the terms. अब ये जो हमारा टर्म है, ये जाना पहचाना टर्म है, अगर याद रहेगा तो this was equilibrium constant in terms of concentration, जिसको हम लोग KC बोलते हैं, equilibrium constant in terms of concentration, KC. तो ये हमारा टर्म आएगा KC, equilibrium constant in terms of concentration, और इसको हम लोग क्या करेंगे? RT raised to C plus D हो जाएगा, C plus D power add हो जाएगा और नीचे A plus B add हो जाएगा, तो हो जाएगा C plus D minus A plus B. तो RT raised to C plus D minus A plus B. Minus क्यों? क्योंकि denominator का power जब numerator में हो जाए आ जाएगा तो minus A plus B हो जाएगा. If you remember this, ये देखो हम लोग ने delta NG term निकाला था, delta NG, this was number of moles of gaseous products माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स. तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है गैसेस के, कितने मोल्स हैं गैशियस प्रोडक्ट के? तो प्रोडक्ट हमारे पास सी और डी है, तो सी प्लस डी इज द मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, माइनस ए प्लस बी इज द मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स. तो डेल्टा एन जी हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. तो डेल्टा एन जी हम लोग इस टर्म को लिखेंगे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी बिकम्स डेल्टा एन जी, मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स. तो हमारा हो जाएगा रिलेशन KP इज इक्वल टू KC RT रेस्ट टू डेल्टा NG. दिस इज द रिलेशन विच वी आर ट्राइंग टू प्रूव फॉर रिलेशन बिटवीन KP एंड KC. तो हमारा KP और KC में क्या रिलेशन है? KP इज KC RT रेस्ट टू डेल्टा NG, वेयर R इज गैस कॉन्स्टेंट विच इज 8.314 इन SI यूनिट्स, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, एंड डेल्टा एन जी इज मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स. तो ऐसे हम लोग केपी का डेफिनेशन देखेंगे, केसी का डेफिनेशन देखेंगे और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी प्रूव करेंगे.